इनका स्टाफ अच्छा हो ना हो, इनका फूड बहुत अच्छा है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लोन फूड ट्रैवलर। आज हम ट्रैवल करते करते आ गए हैं पराठा पैलेस, जो कि बेस्ट इंडियन पराठा प्लेस मेरे को लगती है पर्सनली, जो मिसिसागा में है, 345 रेक्सडेल बॉलवार्ड। क्योंकि पराठे वाली गली में भी हम लोग गए थे बहुत पहले, लाइक आज से 4 महीने पहले पराठे वाली गली में गए थे, बट उन्होंने शूट के लिए मना कर दिया था कि आप शूट नहीं कर सकते हैं, तो बट उन्होंने हमने फिर टेकआउट ही नहीं लिया, हमने कहा चलो छोड़ो। उसके बाद ये जगह मुझे शिव लेके आया था कि बोलता है कि अपन खाते हैं पराठा, सो मैं क्या जो भी बेस्ट पराठा होगा ब्रैम्पटन का हम वहाँ जाएंगे। सो आज हम आ गए हैं पराठा पैलेस, सो चलते हैं अंदर और इनके ट्राई करते हैं दो बेस्ट पराठा। एक तो इनका अमृतसरी कुलचा मुझे ट्राई करना है, और एक जो भी मनिंदर सेलेक्ट करेगा एक उसके लिए कर देंगे। सो दोनों पराठे को जल्द से जल्द ऑर्डर करते हैं, ट्राई करते हैं और मिलते हैं आपको आगे। तो हम लोग निकल के आ गए हैं पराठा पैलेस से, ऑर्डर ले लिया टेक आउट क्योंकि वैक्सीन नहीं है। ये हमारा अमृतसरी कुलचा, ये है कोरिएंडर आलू पराठा। सो मैं वहाँ पे बेसिकली मेन चीज़ हुई क्या, जब मैं वहाँ पहुँचा, ठीक है, मैं पहुँच के मैंने पूछा आपका ओनर है, जो भी पहले मैंने ऑर्डर दिया अपना, मैंने उनसे पूछा आपके ओनर है, वो कहते ओनर नहीं है। मैं क्या वहाँ पे ना एक बुजुर्ग अंकल काम कर रहे थे, मैं क्या क्यों ना उनसे शॉर्ट इंटरव्यू ले ली जाए, उन्हीं की वीडियो ले ली जाए। तो मैंने सामने की जो होस्ट होती है जो काउंटर में होती है, मैंने उन्हें कहा कि आप क्या जाके इनको पूछेंगे कि अगर इनको देना है इंटरव्यू। तो उसके बाद जो हुआ, पहले तो मुझे हंसी आई बहुत ज़्यादा वहाँ पर, मैंने वहाँ कुछ बोला नहीं क्योंकि सबसे पहले एज डिफरेंस बहुत बड़े थे मेरे से इस करके, सेकेंड थिंग आप दूसरे की क्वालिफिकेशन जाने बिना इतना बड़ा कमेंट कैसे देख सकते हो। मैंने अंकल से सुना, अंकल ने कहा, बोलता है अंकल ने कहते हैं ऐसे तो बहुत आते हैं वीडियो बनाने वाले, अंकल ने कहा वहाँ पे, बोलते मेरे पास कोई टाइम वाइम नहीं है इसके लिए, उसको जाके बोल दो, उसको पता नहीं मेरा बायोडाटा क्या है। ऐसा बैड एक्सपीरियंस हुआ आज मेरे साथ पराठा पैलेस में, पहली बार ही हुआ, मैंने इतनी वीडियो डाली है। इवन तंदूरी वाली में जब गया था ना, उन्होंने जो रिस्पेक्ट दी थी ना, मतलब सीरियसली बेस्ट था उनका। बाकी ये पराठे पहले इसकी तो रो बात ही अलग थी लोगों की। बाकी कोई नहीं, इनको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता, मैं क्या हूँ क्या नहीं है वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक शॉर्ट वर्ड बोलता हूँ, आई एम रेड शील्ड शेफ, सो इतना काफ़ी होगा आप लोगों के लिए, सर्च कर लेना क्या है गूगल में। बाकी कोई नहीं, चलते हैं और इनका फूड रिव्यू करते हैं, और ये वीडियो मैं आपके ओनर को भी भेजने वाला हूँ, इनके ओनर को, जो मैं डायरेक्टली ईमेल करूँगा ये वीडियो, पराठा पैलेस फूड रिव्यू ब्रैम्पटन। क्योंकि मुझे पर्सनली ये लोग अच्छे लगते थे, क्योंकि यूजली एक आंटी होती थी, उनका नेचर बहुत अच्छा होता था। बाकी फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, मैंने इतनी वीडियो बना ली है कैनेडा में, फर्स्ट टाइम किसी आदमी ने ऐसा कमेंट, बैड कमेंट किया ओवर दिस, तो मेरा आधा मूड वहाँ पे ख़राब हुआ था, बट इट्स ओके, उनके लिए मूड ख़राब तो नहीं करना चाहिए। बाकी अब यह आपको दिखाता हूँ मैं, उन्होंने ये देखो, ये है हमारा अमृतसरी कुलचा, यहाँ पे साथ में हमें मिले चने, साथ में मिली हमें दही, साथ में दिए हमने इन्होंने सैलेड, और उसके साथ ये वाला दूसरा जो हमने है, ये हमारा कोरिएंडर आलू पराठा है। साइज़ देखो पराठे का कितना बड़ा है, उसमें ये मिला हमको दही, ये मिली दाल मखानी इनकी, साथ में एक 0.2 ounce का बटर मिला है, प्लस 0.5 ounce की अचार की डब्बी दी है उन्होंने। सो ये देख लो, बढ़िया, मतलब ज़बरदस्त किस्म का दे रहे हैं, हवा बहुत चल रही है यहाँ पे। हम एक प्लाजे में आ गए हैं क्योंकि ना वहाँ पे पराठा पैलेस के बाद हल्ला बहुत हो रहा था, सो आई कांट शूट इन टू मच नॉइस, यू नो वो बात होती रहती है, देन हॉर्न बज रहा है, कुछ हो रहा है। ये ब्रैम्पटन में हम लोग, मिसिसागा ब्रैम्पटन, मनिंदर होल्ड इट। सो इसका प्राइस है $9, इसका भी प्राइस ऑलमोस्ट $9, यानी दोनों चीज़ें मिली है $18 में। सो मनिंदर को मैं बोलूँगा, मनिंदर लेट्स टेस्ट, सबसे पहले आलू पराठा की आप ये देखो, कुलचे की फिलिंग चेक करो, फिलिंग तो अच्छी भरी है, पनीर है, प्याज है, आलू, साथ में रेड चिली फ्लेक्स पूरा डाल के अच्छी सी बेस्ट फिलिंग की हुई है। सबसे मेन बात, इन्होंने हमें पराठे दिए हैं, सब कुछ दिया है, स्पून और नैपकिन तो है ही नहीं। अब मैं इसको टेस्ट कैसे करूँ, सबसे पहली पॉइंट वाली बात तो ये आ गई है, मनिंदर हो तो वो दही नॉर्मल नहीं रहता है। ये देखो ये सैलेड, उसके साथ आलू पराठे का भी खोल लेते हैं, ये होगी उनकी दाल मखानी, साथ में ये हो गया उनका दही प्लेन, साथ में ये अचार, और सबसे मेन चीज़ ये बटर, ये बटर है देखो, हाँ हाँ हाँ,
क्या बात है, बटर चेक करो इनका, बटर दिया है साथ में। सो सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं सिर्फ कुलचा। सो कुलचे की आप देखो, मैंने फीलिंग तो पहले ही दिखा दी आपको, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फीलिंग है। प्राइस के हिसाब से स्टफ बहुत अच्छा है। इनका स्टाफ अच्छा हो ना हो, इनका फूड बहुत अच्छा है, गुड टेस्ट है कुलचे का। साथ में कबाब तो जब लगे, कुलचे को ट्राई करते हैं हम चने के साथ। सो चने की देखो ग्रेवी थिक है, ग्रेवी साथ में टेस्ट चेक करना है मैंने। मेन जो है इसमें चना लगा लिया, साथ में थोड़ा सा लगा लेते रायता। ओहो एक वर्थ इट है 9 डॉलर में कुलचा, सच्ची कह रहा हूँ, बेस्ट टेस्ट है। चने में मसाले को अच्छे से भुना गया, बेस्ट टेस्ट आ रहा है मसालों का, ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं है। स्पाइस का जोर ज़्यादा दिया हुआ है, गरम मसाले का जोर ज़्यादा है चनों में, क्योंकि यूजली वही कर इंडियंस वही करते हैं, इसलिए उन्होंने जो भी है उनका ठंड लग रही। चने में उन्होंने बढ़िया सी दाल चीनी डाल वाल के ना, जीरा दाल चीनी बढ़िया तड़का लगाया उसको। चने भी पूरे एक नंबर चने हैं, वाह। साथ में जो इनका रहता है वो भी बहुत बढ़िया है। अब टेस्ट करते हैं आलू पराठा। जो आलू पराठे की बात आती है ना, ये तोड़े आलू पराठा। देखो आलू पराठे में भी फीलिंग बहुत अच्छी सी भरी हुई है उन्होंने। इनका आलू पराठा ऑल टाइम फेवरेट है। मैं फर्स्ट टाइम बहुत भूखा था, अपने काम से आया था, काम करके रात को शिवजी को लेने जा रहा था, उसने सजेस्ट किया था कि पराठा पहले खाना चलते हैं। सो उस दिन मैंने खाया था आलू पराठा। सो सबसे पहले खाली आलू पराठा खाते, गुड आलू पराठा है, गुड। कोरिएंडर आलू पराठा किया था। सो एक चीज़ पराठे पहले इस वाले को बता दूं, जो कोरिएंडर है ना प्रॉपरली चॉप होना चाहिए, और जो इसके स्टेम्स होती है ना वो कभी इंक्लूड नहीं होती कोरिएंडर्स में, सिर्फ उसके लीव्स आते हैं। और अब दाल ट्राई करते हैं इनकी, दाल मखानी। ये देखो क्या बात है, सुंदर भाई सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त। वाओ, उन्होंने स्पून नहीं दिया, मेन स्पून चाहिए था। मैं रायता कैसे खाऊं, दही जो नॉर्मल इनका है। सो ये दही ट्राई करते हैं थोड़ा सा दही के साथ। आलू पराठा बहुत ही ज़बरदस्त है, नमक मिर्च का बैलेंस है, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं किया, साथ में धनिया डाला हुआ है। लाइक एक परफेक्ट प्लेस है इंडियन स्नैक्स, जैसे ब्रेकफास्ट में जो पराठे लवर होते हैं, पराठे लवर कोई रहे उनके लिए। तू खाना, पीछे हमारे प्लाजा है, तू खाना। सो जब पराठे पहले से आप जाते हो गाइस, उनके बहुत सारी वैरायटी ऑफ ऑप्शन है सब्जी की भी। उनके पास चने थे, मिक्स वेज थी, साग पालक पनीर है, साग आई गैस वो था, कढ़ी थी, और मीठे में भी ऑप्शन था, गजरेला था, गुलाब जामुन था, वीडियो में देख ही लिया आप। सो ऐसे करके बहुत ऑप्शन है, बट पर्सनली आई लव अमृतसरी कुलचा। चने भी ठीक है, और बस उन्होंने ना स्पून दिया, कोई टिश्यू नहीं दिया। ये थोड़ा कस्टमर सर्विस में हमेशा ध्यान रखना होता है, स्पून कस्टमर स्पून टिश्यू कस्टमर को देना ही देना। और 18 डॉलर में ना परफेक्ट है अमृतसरी कुलचे के लिए, ये मेरी रेटिंग है। और ये उसका पूरा स्टफ जो अंदर मेन था, और आलू पराठे के कुलचे आलू कोरिएंडर आलू पराठे के लिए ये मेरी रेटिंग है। खाने में तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट रेस्टोरेंट है, बाकी मज़ा आया आज। और अगर आप मिसिसागा रीजन में रहते हो, रैक्सडॉल बोलावाड के आसपास, तो पराठा पहले से आओ, एक बार इनसे पराठा खाओ, अमृतसरी कुलचा खा के देखो, क्योंकि तंदूरी हवेली का भी कुलचा बहुत ही अच्छा था, और इनका भी बहुत ही अच्छा है।
फिलिंग बढ़िया, टेस्ट मिर्ची स्पाइसी जैसे बोला था वैसी बनाया है। खाने में टेस्ट इनका अच्छा है, बस जो किचन स्टाफ है उनका व्यवहार थोड़ा और अच्छा होता तो और भी मज़ा आता, ये वीडियो और भी ज़बरदस्त बन सकती थी। बाकी एनीवे कोई नहीं, सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। महिंदर तुम कुछ कहना चाहोगे? वीडियो देखने वालों देखते रहिए। तो इसी के साथ ये वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हो आपको बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।